अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, की हाल है तुहाडे? उम्मीद करदा कि तुसी ठीक हो सो। और अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हाँ। अच्छा जी, आज दी मेरी वीडियो है कि मैं तुहानू तो थोड़ा जिहा दसना चाहना कि तेलों के हवाले नाल कि असी जिहड़े तेल काश्त करते पे हाँ, साढ़े अखराजात इन्हों का खर्चा कढ़ के ते एक मैक्सीमम एक मैं छोटा जिहा अंदाजा लाया कि सानू अपना कितने प्रॉफिट हो सी इन्हां तिना महीनों के विच, अगर तेल साढ़े मिसाले उनका खर्चा और अखराजात जितने क होंगे पानी दे खाद दे जो भी अखराजात हैं वो असी करन तो बाद साडो जमीन का ठेका देवन तो बाद वो विच पा के सानू तकरीबन नॉर्मली साढ़े कितने क हो जा सी या कितना क मतलब प्रॉफिट हो सी, तो उस बारे मैं एक छोटी जी वीडियो बनाई है। तुसी ये वीडियो मुकम्मल वेखना, इंशाल्लाह मैं तुहाडे नाल सारी गल शेयर करता। अच्छा जी, देखो हर इंसान की कोशिश होंगी है कि मतलब चाहे असी किसान है, मेरा किसान फील्ड नाल तल्ला के मैं किसान हाँ खुद, मैं सारी फसलां गढ़दा, तो साड़ी कोशिश ही होंगी कि साड़ी फसल जिहड़ी है ना वो अच्छी तो अच्छी हो गए, और असी मेहनत करते हैं और कोशिश इस वास्ते करते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले, साड़ी एवरेज भी अच्छी आवे। लेकिन देखो पता की गल है, सब तो पहले तो रब की जात इंसान नूं भरोसा करना चाहिए कि जो मालिक वो देवे ना मिलता वो ही है। बेशक बंदा जितनी खादा पा ले, जो कुछ मर्जी कर ले, जिस उस खालिक ने जितना लिखा है ना इंसान के मुकद्दर मिलना उसनों वो ही है। लेकिन हाँ, ये एक जरूर मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत अगर तुम सही तरीके देखभाल किसी चीज़ की करते हैं तो जारी गल सिला जो तो जरूर मिलता, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब न तो मतलब है। अगर आप किसान हैं तो किसानों के मुतलक कोई होर किसी की कोई फील्ड है तो उस हिसाब न मतलब रब जो रोजी देता। तो बाकी दूसरा गल, अपना वीडियो शुरू करन तो पहले मेरे जो नवे भरा मेरे इस चैनल में वेखते पे मेरी इस वीडियो में, वो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दो, तो नाल ही घंटी के बटन है उससे क्लिक करो ताकि मेरी जरिए मशवरे की जितनी भी वीडियो आदि आदि जाती मशवरे दियाे तक पहुँच सकन, और तुम उन्होंने वीडियो में वेख के अपना मेरा तजर्बा वेखते मेरा तरीकाकार वेखते उस तरीके चलो ताकि थोड़ी भी आमदन इजाफा हो। तो हूँ मैं तुम्हें दसना एक तेलों के मामले से जो मैं छोटा जि एक मुआवजना किया एक छोटी जी वीडियो तो थोड़े नाल मैं शेयर करदा। देखो पता ही कि यह गल है कि तीन महीने की फसल है, सब तो पहले तो अखराजात इसते 35 से 40 हज़ार तक आ जाते हैं, और अगर जमीन थोड़ी अपनी है तो 10-20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है, क्योंकि ठेका जोड़ा सालाना है ना साढ़े एरिए चल रहा वो तकरीबन 60 हज़ार रुपये तो लगते 80 हज़ार रुपये तक है, कुछ इलाकों शायद ज़्यादा भी उसी, कुछ इलाकों के कुछ कम भी उसी। देखो कुछ कुछ ठेके इस तरह के होंगे जो लम्बे जमीन मिसाल है, लम्बे ठेके चलते हैं 4 साल या 2 साल 5 साल वास्ते, ठेका थोड़ा जहा घट हों, जो साल वास्ते होंगी कई जमीन वह ठेका थोड़ा जहा ज़्यादा हों। इस वास्ते तकरीबन एक आइडिया है कि 60 हज़ार रुपये तो लगते 80 हज़ार तक ठेका है नॉर्मली साल का। और गल की जाए तो मैं गल मुख्तसर करना क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, अगर ठेके की गल की जाए तो साल है तकरीबन अगर एक फसल जी ठेके निकल जाती, बाकी जड़िया फसलों वो दो बंद साल बच जा अगर अल्ला आलू दिन सवले होवन। तो आखन का मकसद है कि देखो तिली जी 3 महीने की फसल है, असी अप्रैल काश्त की या मई काश्त की 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा अगर असी खर्चा करते हैं नॉर्मली एक बोरी DAP उन्होंने हल्दी वाई सुहागा पानी मतलब बिजाई तक 30 से 35 हज़ार रुपया लग जाता, 2 से 3 पानी लगते हैं, अगर तनारी पानी होना जाती तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ट्यूबवैल वगैरह का बिजली वगैरह का पानी नहीं लाना पाता, और बाज़ औकात क्योंकि बारिशों का तो सीजन हो जाता सावन भादरो अक्सर बारिशा बहुत ज़्यादा होंदिया, अगर बारिशों के अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर पानी भी नहीं लाना पाता, और नॉर्मली जड़ा है वह 1 से 2 स्प्रे करने पाते, इतने ज़्यादा स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है, और खाद तकरीबन 1 बोरी DAP या तुसी 1 बोरी नैट्रो या तुसी अपना 1 बोरी जी है सोना यूरिया की पा के एक नॉर्मली थोड़ा एक आइडिया मैं शेयर करना कि अगर इतने खर्चे नाल तकरीबन जड़ा है ना 10 से 15 मन की एवरेज आ जाती है, अगर 10 से 15 मन की एवरेज आ जाए तो इस टाइम 18 से 19 हज़ार रुपये रेट खलोता है, चलो जिस टाइम तो फसल चमनी 12 हज़ार रुपये तक तो रेट होना है ना, अगर 10 मन भी हो तो आप हिसाब ला लो लख तो फिर भी उपर है, अगर वो 30-40 हज़ार रुपये खर्चा भी कर दिया जाए तो भी 3 महीने के जोड़ा इस फसल है 1 लख रुपये बचा जाती।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਢਾਈ ਛਡਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਵਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਸੋਰੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਅਗਰ ਥਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਉਹ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਛੰਡਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 1,25,00,000 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਕਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਈ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਖਾਦ, ਅੱਛੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਲ ਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾ, ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।